तो फिर आगे आगे हम देखते हैं कि चाचू भी गाड़ी चला रहे हैं। Yes. इस तरह से गांव में सारे नीचे बैठ के देखिए खाना खाते हैं। और दो बंदों को ना हमने नेपाल से बुलाया एकदम पैदल वाला ऑफ रोडिंग रास्ता है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको गांव से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं, काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको अपने गांव को विज़िट भी कराऊंगा। तो कुछ आने वाले शायद व्लॉग्स गांव के ऊपर होने वाले हैं, तो अपना प्यार दिखाइएगा। और अभी हम जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि भाई कितना दिल्ली से हम गाँव आए थे स्कूटी में, तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था जगह जगह पर, हरिद्वार में भी और मंगलोर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बट फाइनली हम रात को सुबह 4 बजे निकले हुए, रात को 9 बजे के आसपास गांव पहुंचे थे अंधेरे में। तो मैं टिहरी घूमते हुए आया था अपने गांव की। अभी क्या है, अभी हम हैं देखिए, ये ना एक काफ़ी पुराना मतलब स्कूल हुआ करता था, अब तो यहाँ पे स्कूल कुछ नहीं है, ये अब सब बंद हो गया, मतलब यहाँ पे स्कूल लगता ही नहीं है। और वहाँ पर देखिए आप, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहाँ पर मस्त एकदम बंदर मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम अभी इसलिए आए थे क्योंकि ताऊ जी की अब 13वीं आने वाली है, तो 13वीं से पहले जो भी मतलब शुद्ध करने का कुछ प्रोसेस होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और आपको भी चलो दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो भी हम आज के दिन करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओम अद्यतादि अध्या भारद्वाज गोत्रस्य सुंदर सिंह जयाला जी प्रेतस्य प्रेतित्व निवृत्त्यर्थम क्रियमाण मध्य सुरस श्राद्धांतर्गत विष्णु श्राद्धे विष्णु एषा पिंडस्ते नमः। पहले मेरे को सुना ये है पूरा घना आम का पेड़ और इसमें ना छोटे छोटे अभी बट कच्चे आम लगे हुए हैं। अभी इसको पकने में तकरीबन मेरे को लगता है 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि अभी जून का महीना है, तो जुलाई और जुलाई मिड के बाद ना ये सारे के सारे पक जाएंगे। ऐसी गांव में भाई बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, कुछ केले के पेड़ हैं, कुछ आम के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं जहाँ पे ना पूजा हो रही है। जान लेते हैं आज का जो हमारा ये सारा कुछ हो रहा है तो किस लिए हो रहा है और इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें मध्यम षोडशी का महाब्राह्मण को भोजन कराने का और उत्तम षोडशी का और सपिंडन का कार्यक्रम हो रहा है। यह पितरों के उद्धार के लिए होता है और जो मृत आत्मा 13 दिनों तक यहाँ विचरण करती है और पुनः ऊपर से आकर अपने शरीर को ढूंढती है, उनके लिए यह कार्य किया जाता है। जो मध्यम षोडशी का जो कार्य होता है उसमें 16 पिंड दिए जाते हैं, वैसे ही उत्तम षोडशी में भी 16 पिंडों को दिया जाता है। और जो मध्यम षोडशी के जो 16 पिंड हैं उनमें 1 से लेकर 9 तक वो देवताओं के हैं, पुनः जो 10वां है वह प्रेत के निमित्त है, और पुनः 11 से लेकर 16 तक जो पिंड दिए जाते हैं वह फिर देवताओं को दिए जाते हैं, और अंतिम में जो सपिंडन किया जाता है वह प्रेत को अपने पितरों के साथ सम्मेलन के लिए किया जाता है और उसका अपने पितरों के साथ सम्मेलन हो जाता है। अभी तक का आज का जो कार्यक्रम चल रहा है वो ये किस चीज़ के लिए बनाए हैं ऐसे? ये यहाँ पर प्रेत बैठे हुए हैं अभी, और उधर उनके 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 पिता, उनके दादा और उनके बूढ़े दादा बैठे हुए हैं। ये बैतरणी नदी है, ये बैतरणी नदी का पुल है, बीच में ये चांदी की सीढ़ी है, इसी तरफ से यह प्रेत अपने पितरों के साथ मेल सम्मेलन करेगा और उस तरफ विराजमान हो जाएंगे, और उसके बाद यह प्रेत प्रेत रूप न होकर के पितृ रूप में जाना जाएगा। भगवान नाम चलो भाई पूजा वूजा करके आ गए और अब खाएंगे हम खाना। और यहाँ पे देखो बन रहा है खाना, खाने की तैयारी चल रही है भाई, शाम के लिए भी चल रही है। और ये बन रही है भड्डू की दाल, ये है टमाटो चटनी, ये बन रहा है भड्डू की दाल, चलो ये बन रही है भड्डू में दाल और यहाँ और अब यहाँ लग रहा है तड़का। अरे चाचा ये नीचे लगता है।
भाई शाम के लिए तैयारी हो रही है रोटियों की। सो दो बंदों को ना हमने नेपाल से बुलाया। कितना किलो आटा गूंद रहे हो भाई? ये आठ किलो ये 8 किलो का है? हाँ। 8 किलो है मतलब? हाँ। सही से गूंद यार, ये सही नहीं गूंद रहा है। हाँ सही नहीं गुंद रहा ये कह रहा मैं। अभी तो पेपर बहुत टाइम लगा, तुम कैसे हो जाना? आज दिखाते हैं अरविंद पहाड़ी का आटा गूंदना। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज ना पहली बार तेरी बुआरी के हाथ की रोटी खाने वाले हम। देखना होगा हमारे बनेगी हो जाएगी। हमारी पुरानी बुआरी ने आटा गूंद दिया कैसे कैसे करके। लेकिन नहीं पर नीचे इस बार आटा नीचे। अरे चाचा एक मिनट, चाचा के टावर दिखाओ जरा। कौन सा जेल लगाया है? क्यों कह रहा है कौन सा जेल लगाया है? टाइम हो चुका है भाई 7:30 और अभी भी ना लोग वहाँ पे रोटियाँ बना रहे। तो क्या होता है ना उत्तराखंड में कि सारे गांव के लोग मिलकर यहाँ पे चूल्हा बना देते हैं और फिर रोटियाँ बनाते हैं। तो ऐसे देखो वहाँ सामने, अभी मैं वहाँ जाऊँगा ना तो आपको पास से दिखाऊँगा। सामने देखोगे ना वहाँ पे सारे लोग लेडीज़ आती हैं और वहाँ पे सारे अपने अपने चूल्हे चकला बिन सब लेके आते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं। चलो भाई वहाँ पे चलेंगे। अभी हम यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा बातचीत कर रहे थे। चलो भाई वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, एक तो वो यहाँ लगा, एक तो वो यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। अब तो ना गांव में लोग ही नहीं बचे तो इसलिए भाई बहुत कम लोग हैं। और ये है यहाँ पे भड्डू, इसमें ना दाल बनती है जिसमें। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन और सुबह सुबह उठ के हम ना नहाने के लिए अब इस धारा में जा रहे हैं जहाँ से पानी निकलता है। तो आज हम ना कुछ अलग ही रास्ते में जा रहे हैं भाई, एकदम पैदल वाला ऑफ रोडिंग रास्ता है ये। देखो क्या हो, ये देखो वहाँ से ओल, अभी फिसलते फिसलते बच गया यहाँ। मित्र लोग बताए कथन संसार तक छोड़ना जैसा कथन तेरे को शरीर से बल जुबद सिंह भी बल के कड़ू बद चिता तक तेरे को साथ दे दू और अग्नि छन बनना कि जली का एक पृथ्वी में जानू बद एक राख में जानू और अपना परलोक का मार्ग पर जीव अकेले ही चौदू छिंग तुम जन कर्म करी बोला बले तो ही कर्म का आधार पर है तुम तक भूगोल छिकी के लिए केवल स्त्री पद मार खले जो घर को द्वार छलना ताकि उनको विदा कर देना है पशु वक्त मारा बार गोष्ठ बनाया जानवर। अभी हम ना गरुड़ पुराण सुन रहे थे और मैं तो थोड़ा लेट हो गया, पहले से चल रहा है। पर अभी ये जो सामने देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, मतलब बछड़ी दान अभी होगा तो चलो वो देख लो। अच्छा लगे था तम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, हस्तो प्रक्षालयेतः ओम सिद्धिंगो गोपछोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा मुठक तथा चिंतन भारत है तस्मै सुधा अग्नि अग्निवाता पितरस्ते पिंतामिदं शीतलं गोपछोद। ये देखिए, ये है हमारे गांव की प्रथा। तो इस तरह से गांव में सारे नीचे बैठ के देखिए खाना खाते हैं। आज है 13वीं, जिसे जिम्मन कहते हैं। तो आज सारे के सारे यहां पे नीचे बैठ के हमारे जितने भी आसपास के गांव हैं सबको खाना खिलाया जाता है। और अभी हमने जो था कुछ खाना दे दिया और उसके बाद यहां पे इनको बोलते हैं सरोला, जिसे हलवाई भी कहते हैं। पर केस क्या होता है कि अगर ये जब भी खाना बांट रहे होते हैं तो कोई भी लोग जा नहीं सकता है, अशुद्ध हो जाएगा वरना। तो अभी ये जा रहे हैं तो सारे के सारे लोग यहाँ से हट चुके हैं, अब यही सबको पूरा खाना बांटेंगे। और ये बहुत अच्छा है उत्तराखंड का कि नीचे बैठ के यहाँ पे खाना खिलाया जाता है और यही प्रथा चली आ रही है और हम आशा करेंगे कि ये चलती ही जाए। तो ये देखिए 13वीं के लिए बनती है, कितनी सब्ज़ी बनती है यहाँ पर?
कुछ भी तेर से ऊपर ये बीन्स करेला केला तोरी गोभी शिमला मिर्च भिंडी आलू कद्दू रायता कद्दू के खट्टे के सब्जी रेड बगन क्यों और अचार सलाद पापड़ सीताफल सीताफल है चावल दाल और यहाँ पे देखिए बाहर बैठ के सब खा रहे हैं। तो जी सबको खाना खिला दिया था और हमने भी खा लिया और अब ना पंडित जी को ये सारा सामान देने जा रहे हैं पंडित जी के घर पे। और इस गांव का नाम है पुजार गांव। तो यहाँ पे हमारे दो गांव के पंडित जी हैं वो यहीं पे ही रहते हैं। और गांव देखो क्या खूबसूरत है, बहुत ही यहाँ पे प्यारी हरियाली हो रखी है, एकदम हरा भरा पूरा खेत है यहाँ पे। और देखो सारे खेतों में भाई पूरा मतलब बंजर ही बंजर हो गए हैं, पर फिर भी यहाँ पे काफ़ी हरियाली है भाई। हमारे गांव में पानी नहीं है, दिक्कतें हैं मतलब, बट इस साइड पानी की कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जल्दी से सारा सामान दे देते हैं, कुछ मैंने ले लिया कुछ आगे भाई लोगों ने ले रखा है, और यहाँ से फिर निकलते हैं। कैसे कैसे पहुँचे हैं भाई, रास्ते बड़े ही छोटे छोटे से थे यहाँ पर आने के लिए। भाई यहाँ पे देखो कितनी मस्त यहाँ पे हरियाली हो रखी है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगा रखी हैं। भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे यहाँ पे ना रोज़ भी लगा रखे हैं। बाकी यहाँ से क्या नज़ारा है यार, ऐसे यहाँ पे आराम से बैठ जाओ खाट लगा के, क्या मज़ा आ जाए। क्या बोलोगे इस गांव के लिए, हाँ जी क्या बोलना चाहोगे इस गांव के लिए? ठंडा है, गर्मी, पेड़ों के नीचे दिन में 12 1 बजे 2 बजे का भी टाइम होगा तब भी ठंडी हवा मिलेगी। यस, और देखिए ये पंडित जी का घर है, ऐसे घर भाई बहुत बढ़िया लगते हैं और ठंडे भी रहते हैं, पुराने ज़माने के मकान हैं। फिर आगे आगे हम देखते हैं कि चाचू अभी गाड़ी चला रहे हैं। यस, सबसे पहले ना जल्दी देखो टायर सीधा है कि नहीं है। नहीं है, ये देखो सीधा ही नहीं है। ये देखो अब सीधा हो गया? नहीं, कोई बात नहीं, हम सीधा इसको कर लेंगे, ठीक है? अब अभी भी बहुत ज्यादा ही टेढ़ा है। कोई बात नहीं, अभी और ज्यादा टेढ़ा हो गया है, बट उससे कोई बात नहीं, अब सीधा हो गया। अब हो गया ना? हाँ हाँ, बैकिंग के बाद से। आती है भाई, आती है गाड़ी चलानी ना। हाँ हाँ, जब बैक चला लेते हैं तो फिर आगे तो इजी है बहुत चलाना। मैं पीछे बैठ रहा हूँ, बैठ जा। तो भाई ऑटोमेटिक में थोड़ा यही फायदा है भाई, बस ऑटोमेटिक में डालो और रिवर्स आगे कर दो भाई, बाकी तो कुछ देना ही नहीं है, मतलब कि क्लच तो है ही नहीं इसमें, तो इजी हो जाता है इसको चलाना। तो वैसे तो मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसी पहाड़ों में पूरा मैं बैक लेके ही आ गया, ऐसी थोड़ा सा आगे भी लेके चलेंगे। पहाड़ों में भाई चलाने का ख़तरा भी बहुत है और मज़ा भी बहुत है, क्योंकि पहाड़ वाली साइड चलाते रहो तो बढ़िया है और जैसी खाई वाली साइड चलाओ तो बड़ा डर सा लगता है। सड़कें बहुत छोटी रहती है भैया, हम अनट्रेंड के लिए तो छोटी मतलब चौड़ी नहीं है, बहुत कम है क्योंकि गाँव वाली सड़क है। और आज आपको बस थोड़ा बहुत बताया गाँव के बारे में कि तेरी वाले दिन और जिमण वाले दिन मतलब क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे भाई बैठ के आराम से खाना खिलाया जाता है। तो यही था यार आज की इस वीडियो में, अभी हम मार्केट से आए थे घूम के, मतलब काम था कुछ तो वहाँ से होके आ गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।